हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम खेल रहे हैं वेस्टलैंड सर्वाइवल। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको वैगम आइटम कैसे मिल सकते हैं। और भाई उसके लिए आपको हीलिंग और कोई ढंग की गन लेके जानी होगी, क्योंकि भाई वहाँ पर जो एनिमी होते हैं वो बिल्कुल मारने के लिए पीछे ही पड़ जाते हैं। और इसके अंदर आपको वुड भी मिल जाएगी, जो कि कभी उसके पेड़ कम हैं ओक ट्री की, तो वो भी आपको बहुत सारी ट्री वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें वहाँ पे जाना होगा जो इवेंट आता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे पड़े रहते हैं। तो हमें उस इवेंट में जाते हैं और फटाफट देखते हैं उस इवेंट में हमें वेलकम आइटम कहाँ से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं। और ये हमारी एंट्री हो रही है। यहाँ फ्रेंड्स हमारी एंट्री हो चुकी है। और ये हमारा प्लेयर बिल्कुल एक्शन में आ रहा है, घोड़े की वो क्या कहते हैं उसे पता नहीं क्या कहते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये घोड़ा जिसके अंदर आपको अपने घोड़े को जो भी बनाने के लिए सामग्री चाहिए होती है वो मिल जाती है, तो आप इसको भी रख लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम होने वाला है, वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले बाकी जो बॉडी है उनको चेक करेंगे, और ये जो भी यहाँ पे एनिमी है इन सबको खिलाएंगे, क्योंकि भाई ये अच्छे से लूट करने नहीं देते, फिर फालतू में ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं। ये लोग भाई हथौड़े वाला हमें टच नहीं कर पाते, क्योंकि भाई जितने में वो घुमाएगा अपने हथौड़े को इतने में आराम से इन्हें ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक अच्छे टाइप वो और एक आपको नया कपड़ा हरे कलर का है वो भी मिल जाएगा आराम से। तो आपको इस इवेंट में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलती है। और ये लोग भाई यहाँ पे भाई इनका बॉस खड़ा है, तो सबसे पहले इन्हें मारेंगे, क्योंकि भाई इसकी जो हेल्थ होती है ना भाई बहुत ज़्यादा होती है, और इसको डैमेज देने वाला भी बहुत कम होता है। तो भाई ये देखो डैमेज देगा भाई, देखो दूर भागने के बाद भाई देखो बिल्कुल आधी पावर से थोड़ी कम, मतलब 10 HP तक पावर ये कम कर देता है एक बज्जी में। तो भाई इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। और ये भाई 107 लेता है ये भाई एक बार में, तो सोचो इसके 10-15 लग गए फिर तो हम खिली जाएगा। 10 ही काफ़ी है हमें मारने के लिए, 10, 5, 7। तो फ्रेंड्स इसके ये जो ये होता है ना तलवार वाला, भाग जाओ फिर भी इसकी तलवार ज़रूर लगने वाली है अगर आप इसके टच में आ गए तो। तो फटाफट यहाँ पे जितने भी बॉडीज मरी पड़ी है तो उनको चेक करते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे। और उस घोड़े के पास वो था उसको चेक करेंगे, देखेंगे उसमें मिलता है या नहीं मिलता। और मैं ये बॉडीज़ को इसलिए चेक कर रहा हूँ, कोई पता हमें बॉडीज़ के अंदर भी कुछ मिल जाए अच्छा सामान। तो भाई बॉडीज़ को चेक करते हैं सबसे पहले। और भाई यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी बॉडी हम ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारी बॉडी ओपन हो रही है, इसमें क्लोथ वगैरह मिल रहा है जिसका हमें कोई काम नहीं है। तो फटाफट हम चलते हैं और उनको चेक करेंगे। और धीरे धीरे मैं सामान भी स्टोर करता रहूँगा अपने उसके अंदर हॉर्स के लिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से मैं दिखाता नहीं हूँ कि मैंने अपने हॉर्स के अंदर अपने सामान रख दिए हैं। तो भाई ये लो भाई ये आ गए मेरे पीछे, बिल्कुल देखो भाई इससे कितनी दूर आ गया था, फिर भी इसकी तलवार है या फिर भाई क्या कहते हैं कानून के हाथ इतने लंबे हैं भाई कहीं तक भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भाई हम पहुंच चुके हैं। और ये भाई बॉडीज़ के हमें वैगम आइटम तो नहीं मिल रहे बॉडीज़ के अंदर, तो भाई देखते हैं और किसके किसके अंदर मिलता है। तो भाई यहाँ पे देखो घोड़ा पड़ा मरा पड़ा है, और उसके साइड में इतने सारे स्टोन और वुड पड़ी हुई है जो हमारे किसी काम के नहीं अभी के लिए। लेकिन यहाँ जो ट्री है और यहाँ जो पत्थर ये काफ़ी काम के हैं यहाँ पर। तो भाई ये लोग ये आ गया भाई, इसको तो एक ही में ख़त्म कर दिया। और ये आपको आते रहेंगे, ये मरते नहीं है, मतलब है ना जितनी बार भी यहाँ आओगे, मतलब जैसे आपके आप बैग भर चुका है तो आप सामान वापस रखने जाते हो और वापस आओगे तो ये लोग वापस आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं मतलब 2-3 ही आएंगे, तो मतलब आप गन लेके हमेशा ही यहाँ पे आना होगा। और भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा सामान भर जाता, क्योंकि मेरे हॉर्स के अंदर हम 4 चीज़ें हैं जो रख सकते हैं। तो भाई मैं एक गन रखता हूँ, 3 बॉक्स हमेशा खाली होते हैं, तो मैं उसके अंदर अपना सामान रख देता हूँ सारे के सारे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और ये जितनी भी हीलिंग मिलती है इसको यूज कर ले रहे हैं, काफ़ी मस्त चीज़ है ये हीलिंग। और भाई इसके अंदर भी मतलब बॉडी इसके अंदर आपको फ्रेंड्स मेरे ख्याल से वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन हीलिंग मिल जाएगी आपको। और वैगम आइटम आपको वो बॉडी इसके अंदर नहीं मिलेगी। अगर आपको वो चाहिए वैगम आइटम तो आपको शायद पहले चेक कर लेते हैं पीछे की साइड। और ये एक और पड़ा हुआ ये भी भाई बॉडी है, तो चेक करते हैं इसके अंदर क्या है, और फिर निकलेंगे वैगम आइटम ढूंढने की। और वैसे ढूंढ रहे हैं किसमें मिल तो नहीं रहा, तो बाकी हमें चेक करेंगे, और नहीं मिला तो फ्रेंड्स काफ़ी बेकार होने वाला है। तो भाई हम जा रहे हैं आगे की साइड, और यहाँ पे बॉक्स पड़ा है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हमें वैगम आइटम मिल सकता है, क्योंकि हमारा वैगम भी कुछ
और फ्रेंड्स हमें इसके अंदर वैगम एलेक्स एंड वैगम व्हील मिल चुकी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में बता सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।